नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, पहाड़े बनाने की ट्रिक। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पहाड़े बनाने की एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप 1000 तक भी पहाड़े बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1000 तक भी पहाड़े बना सकते हैं। बस आपको 1 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए, फिर आप किसी भी संख्या का पहाड़ा जो है यूं चुटकी बजाते ही बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए, ठीक है? 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद हैं, फिर आप किसी भी संख्या का पहाड़ा बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम यहां पर 18 का पहाड़ा बनाते हैं, 18 का पहाड़ा ज्यादातर लोगों को याद नहीं होता है, ठीक है? तो हम 18 का पहाड़ा बनाते हैं, तो यहां पर देखिए क्या है, 1 है और यहां पर क्या है, 8 है, ठीक है? तो हम यहां पर 1 से गिनती लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और 8 का पहाड़ा आपको याद होगा, तो आप 8 का पहाड़ा लिखेंगे। यहां पर देखिए, 8 एकम 8, 8 दुनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सातु 56, 8 टैया 64, 8 नाम 72 और 8 धाम के 80, ठीक है? अब देखिए, हमने 1 का पहाड़ा लिख दिया और 8 का पहाड़ा लिख दिया। अब हमें करना क्या है, यहां पर तो सेम 18 ही रहेगा क्योंकि 18 का पहाड़ा हम लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो 6 है इसको ऐसा ही लिख देना है और इन दोनों को हमें जोड़ देना है, ठीक है? तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है? 4 को ऐसा ही लिख देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है? यहां पर 2 को ऐसा ही लिख देंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है? यहां पर 0 को ऐसा ही लिख देंगे, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है? यहां पर 8 को हम ऐसा ही लिख देंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है? इस बार 6 को यहां पर ऐसे ही लिख देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, यहां पर देखिए 4 को ऐसे ही लिख देंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है? इसके बाद में यहां पर 2 को ऐसे ही लिख देंगे, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, तो हमने 16 लिख दिए। इसके बाद में 8 और 10 कितने हो जाएंगे, 18, तो हमने लिख दिया 18 और यहां पर 0 है तो 0, ठीक है? तो ये देखिए, हमारा 18 का पहाड़ा बन करके तैयार हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं, 18 एकम 18, 18 दुनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छिंगे 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नवे 162 और 18 नाम के 180, तो 18 का बन गया। तो जैसे कि मान लीजिए हमें 21 का पहाड़ा बनाना है, ठीक है? तो 21 के पहाड़े में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं कि हमें करना क्या है। यहां पर क्या है, 2, तो 2 का पहाड़ा लिख दो, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, ठीक है? 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाम के 20, हमने 2 का पहाड़ा लिख दिया। अब यहां पर 1 है, 1 के बाद गिनती लिखना है, 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है? तो यहां पर हमें ये देखना है कि जब हम जोड़ते हैं ना, अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम सिंगल अंकों को लिखते हैं, यहां पर 21 है तो 21 आ जाएगा, यहां पर 42 है तो 42 आ जाएगा, 63 है तो 63 आ जाएगा, यहां पर 8 और 4 है तो यहां पर 84 आ जाएगा, यहां पर 5 है तो 5 आएगा। देखिए, यहां पर 1 अंक है, अगर यहां पर 2 अंक होते ना तो हम उसको जोड़ते, लेकिन यहां पर 1 अंक है तो वही रहेगा और 10 का 10 आ जाएगा, तो यहां पर 10 आ गया। यहां पर भी 6 सिंगल अंक है तो यहां पर 12 का 12 आ जाएगा, यहां पर 7 है तो ये हमारा कितना आ गया, 14 आ गया, यहां पर 8 है तो यहां पर हमारा 16 है, पहले से 16 आ गया। अगर इसमें 2 अंक आते हैं तो हम इसको यहां पर जोड़ेंगे, लेकिन यहां पर 2 अंक होंगे तो हमें नहीं जोड़ना है, ठीक है? इसके बाद में यहां पर 9 है तो 9 आ जाएगा, यहां पर 18 का 18 आ जाएगा, ठीक है? यहां पर 10 है तो देखिए, यहां पर अब 2 अंक आ गए तो यहां पर देखिए 0 आ जाएगी और 1 को इसके साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21, तो ये हो गया 21। तो देखिए, 21 का पहाड़ा बनकर के तैयार हो गया, 21 एकम 21, 21 दुनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 21 पंजे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 नवे 189 और 21 धाम के 210। तो देखिए, 21 का पहाड़ा बन गया। अब चलिए एक और पहाड़ा बना के एग्जाम्पल में आपको बता देता हूं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हमें 23 का पहाड़ा बनाना है, 23 का भी हर किसी को याद नहीं होता है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10,
दो छिंग 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नाम 18 और दो धाम के 20। ठीक है, दो का पहाड़ा लिख दिया। अब तीन का लिखेंगे, तीन एकम तीन, तीन दुनी 6, तीन तिरका 9, ती चौके 12, ती पांच 15, ती छिंग 18, ती सात 21, ती अट्ठे 24, तीन नाम 27 और तीन धाम के 30। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो यहां पर देखिए 23 है तो ये तो आ जाएगा हमारा 23। ठीक है, यहां पर भी दोनों अंक है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 46, यहां पर भी दो अंक है तो यहां पर आ जाएगा 69। अब यहां पर दो अंक आ गए तो इकाई अंक तो यहां पर लिखेंगे, इस एक को इसके साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 और 1 9। ठीक है, इसके बाद में यहां पर भी दो अंक है तो 5 ऐसे ही रहेगा, एक को इसके साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11। ठीक है, यहां पर है 8 और इसके बाद में 12 और एक कितने हो जाएंगे 13, तो हमने 13 कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर एक है तो एक और 14 और तो कितने हो जाएंगे 16, तो हमारे हो गए 16। यहाँ पर कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4 और 16 और तो कितने हो जाएंगे 18, तो हो गया 18। ठीक है, यहाँ पर है 7, तो 7 का 7 18 और तो कितने हो जाएंगे 20, तो ये हो गया 20। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कितना है 0, तो 0 और यहाँ पर 2 और 3 कितने हो जाएंगे 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23, तो ये हो गया 23 और ये हमारा 23 का पहाड़ा बन करके तैयार हो गया है। तो आप ऐसे करके किसी भी संख्या का पहाड़ा बना सकते हैं, बस आपको यहां पर 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए, ये यहां पर शर्त है। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये जो ट्रिक मैंने बताई है पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।